सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज हम एक ब्रांड न्यू गेम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा एंड आपको पहले से पता चल गया होगा। पैल वर्ल्ड, ये एक पोकेमोन का सस्ता वर्जन गेम है या महंगा वर्जन गेम है, आपको जो समझना है समझ लो। बट ये गेम बहुत ही अच्छा ओपन वर्ल्ड एक्सेस गेम है, मतलब इसमें आपको पास पॉकीबॉल्स होती है बट उसको इसमें पैल बॉल्स बोला गया है। तो आपको इस गेम में बहुत कुछ पता चलने वाला है। अगर आप एक पोकेमोन फैन हो तो आपको ये गेम सच में बहुत पसंद आएगा। तो फटाफट बिना किसी देरी के इस गेम का गेम प्ले या फिर इस गेम को कंप्लीट करने की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे साथ इस जर्नी में स्टिक रहने के लिए और नए नए पोकेमोन्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देयर वी गो, स्टार्ट अ न्यू गेम। हम लोग को नया वर्ल्ड क्रिएट करना है एंड हम इस वर्ल्ड का नाम देंगे सब्सक्राइबर्स वर्ल्ड। अबे क्या हो रहा है, SUSCRIBER, ये हमारा सब्सक्राइबर्स आइलैंड होगा एंड हम इसी गेम के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। एंड मल्टीप्लेयर मैंने जानबूझ के ऑफ रखा है। अगर आप में से कोई मेरे साथ खेलना चाहेगा तो मेरे को यार प्लीज़ कांटेक्ट करना, मैं अकेले खेल खेल के भाई पक चुका हूँ, मेरे को साथ में सच में कोई चाहिए। बट ठीक है, अभी के लिए तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल डिफ़िकल्टी के साथ, इसको ईजी कर देते जैसे आपको गेम का एक्सपीरियंस में मज़ा आए, क्योंकि मेरे को अभी इतनी कोई डिफ़िकल्टी नहीं चाहिए इसका। जब पूरा ये तो अभी गेम अर्ली एक्सेस में, जब इसका असली गेम आएगा या फिर जो रियल वर्जन आएगा उसमें हम लोग बहुत अच्छे से खेल पाएंगे। इसमें ग्लिचेज है तो कैजुअल वर्जन में ही मैं खेलना प्रीफर करूँगा अभी के लिए। ऐसा मत समझना कि मैं नूब हूँ भाई, नूब हूँ बट मैं इस गेम में नूब नहीं हूँ। ठीक है ठीक है, स्टार्ट अ न्यू गेम स्टार्ट हो रहा है हमारा न्यू गेम। एंड हमारे कैरेक्टर का नाम होगा, हम अपने कैरेक्टर का नाम देंगे डेथ। और पहले तो भाई इसको लड़का बनाएंगे, बुढ़ाऊ बनाएंगे, बुढ़ाऊ नहीं भाई मजा नहीं आ रहा, यही सही है रे, या ये, हाँ ये मस्त लग रहा है। और बाल इसको ये एकदम एडवांस बाबा लग रहे भाई, बाबा एडवांस बुढ़ाओ। लेट्स गो गाइस, फाइनल है ये, ज़्यादा कुछ बॉडी कलर्स में चेंज करना है क्या? हल्क बना दूँ क्या? हल्क बना दे, चलो हमारा हल्क डेथ रेडी है। एंड ये आ चुके हैं हम अपने पैल वर्ल्ड में। और ये कोई स्टार्टिंग के तीन पोकेमोन है भाई, कौन है ये तीनों? ये पोकी डेक है क्या? द टावर द ट्री, अभी क्या लिख रहा है, द ट्री होल्ड्स द ट्रूथ। ओके, और ये पोकी डेक है बट सस्ता सा पोकी डेक है। अबे तू तो कहीं पानी, अच्छा नीचे से आया ना, वही मैं सोचू पीछे कोई पोकेमोन वगैरह है क्या तेरे भाई? नहीं है भाई, आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, हमारा ट्यूटोरियल इधर चालू है ना। ओके, मेरे को लगा कुछ बताएगा नहीं है। और फर्स्ट पोकेमोन ही इतना बड़ा दिख गया हम लोग को, लॉल। बट मेरे लेवल के बाहर है, मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगा। हाय बड़ी, मैं इसको पैट वैट नहीं कर सकता क्या? अब मेरे को उसके साथ खेलना हो तो क्या है मेरा टास्क? अरे लेवल 2 ऐसे ही हो जाता है। ओपन द ऑप्शन मेन्यू, चेक द सर्वाइवल गाइड। क्या है सर्वाइवल गाइड? व्हाट शुड डू आई फर्स्ट? अच्छा ये सब है, वो तो मेरे को पता है। ओपन क्या, बी एंड, अच्छा मेरे को अभी ये बिल्ड करना है वर्क स्टेशन। क्या चाहिए उसके लिए? दो लकड़ी चाहिए, चार था, दो लकड़ी था। फटाफट लकड़ी कलेक्ट करते हैं और एक अच्छी सी लोकेशन पर घर बनाते हैं। और ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉर्निंग रूटीन चल रहा है भाइयों का। इधर सन बात कर रहे थे, लोग एक्सरसाइज कर रहे थे सच में भाई। यार ये पोकेमोन मेरे को स्टार्टिंग में दिख गए, डायनोसूम्स, इतना जल्दी तो दिखते नहीं थे। मैं पहले भी ये गेम खेल चुका हूँ, मतलब मेरे को थोड़ा ओवरव्यू चाहिए ना गेम का, जैसे मैं कंफ्यूज ना रहूँ क्या करना पड़ता है क्या नहीं। कहाँ बनाए अपना ये वर्क स्टेशन?
ये एरिया अच्छा लग रहा है, पूरा ओपन ओपन है। ये देखो इसके ग्लिच, हम लोग पानी में कूदे तो इसका ग्रीन फेड हो गया। ठीक है, हमारा वर्क स्टेशन हम लगाएंगे इधर। मोर नियर, मूव नियर द प्लान, क्या था, कंप्लीट हो गया। ये भी बना लेते जो भी है। ये ओपन द टेक्नोलॉजी स्क्रीन फ्रॉम द मेन्यू एंड अनलॉक द पेल स्पीयर्स। गले में खिच खिच गाइस। ये रहा टेक्नोलॉजी एंड क्या था, पेल स्पीयर। ठीक है, हो गया पेल स्पीयर। क्राफ्ट अ पेल स्पीयर, कैसे क्राफ्ट करते हैं, मेरे को तो इसके लिए बहुत कुछ चाहिए। चलते हैं फिर हंटिंग में। क्या क्या चाहिए था, एक पैलेडियम फ्रेगमेंट चाहिए, वुड चाहिए और स्टोन चाहिए। ठीक है, पैलेडियम, पैलेडियम कहाँ मिलेगा मेरे को, वुड तो मिल गया, स्टोन्स भी मिल गए। और बड़ी क्या हाल चाल, बेरीज वेरीज सब ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो काम आएगा अपने। ये लूँ क्या, ये तो कुछ डैमेज ही नहीं दे पा रहा। हो गया, तो पैलेडियम हो गए। अब हमें अपना वो बनाना है, क्या बोलते हैं उसको, पैल, नहीं, ये पैल स्पीयर बनाना है। क्राफ्ट अ पैल स्पीयर, अटैक अ पैल टू वीकन देम, देन प्रेस क्यू टू थ्रो अ पैल स्पीयर एंड कैप्चर देम। ओके, मतलब इसमें पोकीमोन्स को पैल बोला गया है, तो अब हमें पकड़ना है एक पैल। वो 16 वाले सपंगा ले लूँ क्या डायरेक्ट, क्या बोलते हो, इसको मारते आ जाओ। ये 2 लेवल का है भाई, मारना मत मेरे को। अरे ये तो डायरेक्ट मर गया, मैं इसको मारना नहीं चाह रहा था। हो गया, मेरे पास एक पैल है, पैल है मेरे पास, अपना पहला पोकेमोन आ गया। इसमें तू इवॉल्व होता है क्या भाई, कैसे इवॉल्व करते हैं तेरे को। मेरे को आइडिया नहीं है भाई ये कैसे इवॉल्व होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टास्क है ओपन द टेक्नोलॉजी स्क्रीन फ्रॉम द मेन्यू एंड अनलॉक द पैल बॉक्स। ओके, अब हमें ये बनाना है। अरे मैं इतना सामान कहाँ से लाऊँ, मेरे को कितना, 6 वुड चाहिए और 3 स्टोन्स चाहिए। ये बना दिया मैंने अपना पैल बॉक्स एकदम सेंटर में, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया कवर्ड होगा उतना अच्छा है, क्योंकि इसका एरिया भी कवरेज देखा जाता है। तो ये क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें मेरे को पता है, कि मेरे को थोड़ा ओवरव्यू है इस गेम का, मैंने स्ट्रीमर्स को भी देखा है और मैं अपना भी खेल के आ रहा हूँ इसलिए। एक्सेस द पैल बॉक्स एंड समन द पैल टू द बेस। ओके, पैल टू द बेस, ये इधर हील होता है, बट ये क्या करेगा मेरे लिए, माइनिंग करने जा रहा है ये तो। यू स्टेप टू ओपन इन्वेंट्री एंड प्रेस टू कंज्यूम द फूड, यू आर स्टार्विंग। अच्छा मैं तो स्टार्व नहीं कर रहा था, बट ठीक है। यू हैव जस्ट लेवल अप, ओपन द इन्वेंट्री विद द टैब एंड स्ट्रेंथ योर स्ट्रेस स्टैट्स। अरे मैं क्या पढ़ रहा हूँ। सो मेरे को अपनी HP बढ़ानी चाहिए पहले तो, HP बढ़ानी चाहिए और वेट बढ़ाना चाहिए क्या। ये सिर्फ HP बढ़ाता हूँ, ठीक है 2 HP। ये तो इंजर्ड कैसे है भाई, हील हो ना चुपचाप। कैप्चर फाइल एम्बास, अरे मेरे को उसके लिए पहले बैल बॉल बनानी पड़ेगी ना। इंक्रीज योर प्लेयर लेवल पाए, कैप्चरिंग 30 पेल्स बिल्ट अ बेस ऑफ लेवल 5। ठीक है, मेरे को ये चाहिए। अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। मेरे को 2 चीज़ें क्राफ्ट करनी है इसलिए फटाफट वुड कलेक्ट कर लेता हूँ पहले तो ये। सो ये हमारी एक्स और क्या स्टोन एक्स बन चुका है, एंड स्टोन
पिकर बन चुका है, पिकेक्स बन चुका है, ठीक है, हमारी दो चीज़ बन चुकी है। मुझे बहुत सारे वो बनाने, क्या बोलते हैं उसको, पैल पैल बॉल्स बनानी है। यस, मैं बार बार नाम भूल जा रहा हूँ, इसमें पैल पैल ही हर चीज़ तो पैल से स्टार्ट होती है। 10-15 पैल बॉल्स बना लेता हूँ मैं आराम से, ठीक है। मेरा पैल शॉर्ट ब्रेक पे चला जा चुका है क्योंकि वो स्ट्रेस्ड हो चुका है, और मेरे पास 14 पैल बॉल्स आ चुके हैं। तो चलो फिर, हम लोग को पहले 5 लैम्बास पकड़ने हैं और अपना 30 पैल्स पकड़ने का मिशन करना है, और बेस को लेवल 7 पे लेकर जाना है। अब पहले मुझे ये बताओ, इसमें से लैम्बाज है कौन? ये चिक पिक है, अच्छा ये वाला लैम्बा है, ओके। मेरे को ये पकड़ना है, आ जा, तू कुछ काम का है क्या? तू भी आ जा। गिव मी 5 लैम्बास, किधर मिलेंगे मेरे को ये? 5 पकड़ने यार, 5 बहुत ज़्यादा होते हैं। आ जाओ, तुम लोग मरोगे। ओ बस बस, अरे कितना बॉल्स है? 6 बॉल्स है ना, हाँ। एक और पकड़ा गया, हो गया ये मिशन। लेकिन मैं एक बार 10 पकड़ के देख रहा हूँ, 10 से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 का भी एक छोटा सा मिशन आ रहा है ना। अरे एक और, अरे क्या कर रहा है? मेरे को 10 पकड़ने चला गया ना वो, 4 और चाहिए, लेकिन मेरे पास 2 ही पोकी बॉल्स है। तो एक मिनट, मतलब पैल बॉल्स है, मेरे को पहले पैल बॉल्स बना के आना पड़ेगा, फिर मेरे को 2 और पकड़ने पड़ेंगे, नहीं 4 और थे, सॉरी। मिशन तो वो हो गया, लेकिन मेरे को देखना है कि वो 10 पकड़ने से होता क्या एक्चुअली में, इसलिए। सो ये बन गई हमारी 4 और पैल बॉल्स। एंड एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ मेरे बेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उस हिसाब से चलते हैं। तुम आ जाओ यार, एक नया पोकेमोन तो एटलीस्ट कैरी करूँ मैं। फास्ट ट्रेवल नहीं करना है भाई, क्या करना है? वी वी बेस अपग्रेड, मेरे को एक वुडन चेस्ट बनाना है। ओके वो बना देता हूँ इनके लिए, रुक जाओ। कैसे बनता है वो वुडन चेस्ट? हाँ ये रहा, पहले अनलॉक करना पड़ता है फिर बनता है। अरे यार ये उधर मेरे को बताया नहीं है, वो तो अच्छा है, मेरे को थोड़ा सा आइडिया है। स्टोन्स दे दो यार, एक दो, एक बस। कहाँ बनाऊँ इसको? मेरा स्टोरेज एरिया थोड़ा अलग रहने देता हूँ, ये बेस के अंदर ही है ना, मेरे को पता कैसे चलेगा ये बेस के अंदर है। ठीक है, अब जो भी है, मेरे को नहीं पता चल रहा वो बेस के अंदर है कि नहीं। ये भी बन गया, मिशन कंप्लीटेड, पैल बॉक्स अपग्रेड अवेलेबल, मिशन एडवांस, ठीक है। अब मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ, तो अब मैं क्या बेस पे 2 पोकेमोन रख सकता हूँ, इसलिए पोकी पैल, अरे पैल्स रख सकता हूँ, इसमें पोकेमोन नहीं बोलते यार इनको, तुम लोग थोड़ा कन्फ्यूज मत होना मेरा कन्फ्यूजन, ठीक है। अब चलते हैं अपना लैम्बास पकड़ने, मेरे को 4 लैम्बास और चाहिए, रात भी होने वाली है, एक बेड भी बनाना है, नहीं तो रात में भाई वो पोकेमोन बहुत डेंजर डेंजर आते हैं। सो अभी सीन कुछ ऐसा है, मैं पकड़ने तो लैम्बास गया था बट रात हो गई, अब रात में मैं तुम लोग कुछ शोकेस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं फटाफट तुम लोग को बता देता हूँ। हम लोग को अब रात से दिन करने के लिए हमारे लिए बेड बनाना पड़ेगा, तो बेड बनाने के लिए इधर टेक्नोलॉजी में जाके हमारे पास इधर कुछ वुडन स्ट्रक्चर्स, ये रहा एक वुडन स्ट्रक्चर, और बेड्स खोलने पड़ते हैं, तो अब हमें ये भी बनाना पड़ेगा, और हमारे पोकीमोन्स के लिए भी बेड चाहिए रहता है हमें, जैसे वो लोग आराम से सो सके, जैसे ये अभी ज़मीन पर सो रहा है ना, और मेरा एक और पैल होना चाहिए कहीं पर, वो भी यहीं कहीं सो रहा होगा। तो अब मैं अपना बेड बनाऊंगा, तुम लोग को फटाफट दिन, ये गेम पता है रात में बहुत ज़्यादा डार्क डार्क मतलब अंधेरा बहुत हो जाता है, तो इसलिए रात में खेल के इतना कुछ मेरे को फ़ायदा नहीं लगता, इसलिए मैं फटाफट इसको ख़त्म कर देता हूँ बना के। तुम लोग को ईजी पड़ेगा, अब मैं ये बेड कैसे बनाते वो बता के फ़ायदा नहीं हो, तो मैं फटाफट बेड बना के दिन करके मिलता हूँ तुम लोग से। सो ये देखो, ये ऐसा कुछ मेरा बेड दिखता है, मैंने अपना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया है, यहाँ पे 2 विंडो व्यू है, पीछे से ही नदी दिख रही है जाते हुए, एंड मेरे बेड पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो ये हमने ऊपर से ओपन रखा है, जैसे फ्रेश एयर भी आए भाई, ज़्यादा एकदम कंजेस्टेड भी नहीं बनाना है। तुम्हारे अब पेल्स बूट गए होंगे, अब जाते हैं वापस हमारे मिशन पे, जो हमारा मेन टास्क है वो करने। एंड ये पकड़ लिया हमने हमारा लास्ट लैम्बा, और ये हो गया 99%, लेट्स गो। अभी मेरे पास 16 पैल्स है और पकड़ने, अभी तो बहुत पकड़ने हैं, इन सबको मैं डिसमेंटल कर दूंगा, मेरे कुछ काम के नहीं है ये। मेरे को क्या बिल्ड पैल बेड्स 3 और एक फीड बॉक्स बनाना है,
बेड्स तो मैंने अनलॉक किया था ना, इसके लिए मेरे को वुड चाहिए। वुड दो यार, तीन पेल बेड्स बना लेता हूँ। एंड ये लास्ट बेड भी कंप्लीट हो गया, हमारे तीन बेड बन गए। अब मेरे को एक फीडिंग एरिया बनाना है इनके लिए, तो मेरे पास वो अनलॉक है नहीं है, वो मेरे टेक्नोलॉजी बॉक्स में होगा, फीड बॉक्स ये रहा। तो 6 वुड और चाहिए मेरे को ये बनाने के लिए, बट उसमें खाना कहाँ से डालूँगा मैं। एग्जैक्टली 6 ही मिली, सेंटर में रखता हूँ। मत आओ, मैं बना लूँगा भाई। ये लोग हेल्पिंग हैंड वाले भी हैं, मतलब मदद भी करते हैं बिल्डिंग में। मेरे पास खाना है तुम्हारे लिए, लो रख दिया मैंने। मैं अपने लिए तो कैच कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक और अपग्रेड अवेलेबल है, अब मैं एक और पोकेमॉन रख सकता हूँ इधर बेस पे।